जबलपुर की तहसील मझौली के पवित्र सिद्ध तीर्थ क्षेत्र कटाव धाम में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पुल निर्माण के लिए 1 करोड़ 19 लाख की लागत से भूमि पूजन किया गया। वहां पर बने लाल मंदिर में जाने के लिए पर्यटकों को सुविधा मिल सकेगी। पाटन विधायक अजय विश्नोई द्वारा प्रयास करके पर्यटन निगम द्वारा वहां के लिए राशि स्वीकृत करवाई। भूमि पूजन के दौरान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया एवं पाटन विधायक अजय विश्नोई के कर कमलों से भूमि पूजन किया गया और वहीं महाराज द्वारा भजन कीर्तन किया गया। भूमि पूजन के दौरान राजेन्द्र चौरसिया, अभिजीत विश्नोई, विनय असाटी, मनोरंजन राय, मुकेश सेन एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। इस केंद्र तक रोज हजारों लोग आते और जाते हैं। ये श्रद्धा के केंद्र कटाव धाम के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है। अनेकों लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर आते हैं। आने वाले लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ 1 करोड़ 19 लाख की लागत से विकास कार्य करने की शुरुआत करी है। आज से 10 साल पहले भी मैंने कुछ विकास कार्य किए थे, अब लगा कि उसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये थी कि नदी के उस पार वाले जो पहाड़ पर मंदिर और धाम बना हुआ है वहाँ तक पहुँचने के लिए पुल की आवश्यकता थी। उस पुल के निर्माण का भूमि पूजन आज के कार्यक्रम द्वारा किया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भोजन पानी